नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, अब बात आ रही है स्टीरियो की, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन पे है वन और थर्ड पोजीशन पे, तो मैं इसको वन मान लेती हूँ। यहाँ पे सीएल है और यहां भी सीएल है। तो चलिए देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके कौन कौन से आएंगे, ऑप्टिकल और सिस ट्रांस या ईजेड, जो जीआई, ऑप्टिकल और ईआई, जीआई सॉरी। तो अब इसमें एक चीज देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, सॉरी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो है 2 की पावर n। इसमें कितने आपके जो कायरल सेंटर है या स्टीरियोजेनिक कितने सेंटर है, वो n रिप्रेजेंट, यहाँ पे n इक्वल्स टू जहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ये है एक ये है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट ये हम यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है आपका, इसमें सिमेट्री है आपके मॉलिक्यूल में, तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम इसमें यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ एस आई, जिसमें सिमेट्रिकल हो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 2 की पावर n-1 + 2 की पावर n/2-1। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n तो यहाँ पे हमारा क्या है, n इक्वल्स टू 2 है, कि यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी। तो अब इसमें क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 2 - 1 + 2/2-1। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 1 + 2 की पावर 0। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 3। तो इसमें ध्यान रखना, जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये आपका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 3। देखिए होता क्या है कि आपका ये है, तो इसमें एक मीजो कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके,